जैसे कि आप लोगों को पता है बड़े मियां छोटे मियां मैदान के बीच में एक महाक्लैश जो होता है वो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसी बीच यहाँ पे जो अपने को मैदान की बातें ज्यादा सुनने को मिल रही है बड़े मियां छोटे मियां से। अब देखो क्या ये मैदान की जो बातें आप लोगों को ज्यादा सुनने को मिल रही है वो सिर्फ बातें ही है या फिर दोस्तों उसका कलेक्शन जो होता है कुछ ज्यादा ही निकल कर आया, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है मैदान मूवी यहाँ पे जो है एक दिन पहले रिलीज हो गई थी, मतलब उसके पेड रिव्यू जो होते हैं एक दिन पहले से आना स्टार्ट हो गए थे, तो उसकी भी इनकम यहाँ पे जो है इंक्लूड डेफिनेटली यहाँ पे की जाने वाली है। ठीक है, उसी की बात आप लोगों को पता है 11 तारीख को यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे जो मूवी को रिलीज कर दिया गया है, लिटरली उसके बाद कलेक्शन जो होता है वहां से निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कि जो पेड रिव्यूज का दिन था मतलब 10 तारीख को यहाँ पे जो है कितना पैसा कमाया, तो 10 तारीख को यहाँ पे जो है 2.6 करोड़ रुपए की इनकम जो होती है पेड रिव्यूज के थ्रू यहाँ पे जो है मैदान मूवी ने यहाँ पे करी। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है 11 अप्रैल को यहाँ पे जो है टोटल 4.50 करोड़ रुपए की इनकम जो होती है वो यहाँ पे करी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो इतनी बातें चल रही थी मैदान की यहाँ पे कि यार टक्कर तो खतरनाक होने वाली है बड़े मियां छोटे मियां से, तो भाई वो मुझे यहाँ पे जो है डाटा को देखने के बाद तो कहीं नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बातें हो रही है मैदान की, कोई मूवी देखने जा ही नहीं रहा। बिकॉज 4 करोड़ रुपए की इनकम क्या होती है यार, ये मूवी सुनने में गाइस कि यहाँ पे जो है 90 से लेकर 100 करोड़ में बनी है एक दिन के अंदर, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट डेज का यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो अपना 10% जो होता है वो भी नहीं निकाल पा रही। तो क्या लगता है गाइस आप लोगों को यहाँ पे ये मूवी यहाँ पे जो है कि अपना 100 करोड़ का बजट जो होता है वो यहाँ पे निकाल भी पाएगी या फिर नहीं। एंड उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे तो ये सिर्फ 2D के अंदर अपने को यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2D के अंदर भी यहाँ पे जो है अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसीज के बारे में तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे 9% लोगों ने मूवी को देखा, आफ्टरनून के अंदर यहाँ पे 16% लोगों ने मूवी को देखा, ऑब्वियसली बात है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें इवनिंग के अंदर यहाँ पे जो है 16.84% लोगों ने यहाँ पे जो है मूवी को देखा। एंड जब नाइट आती है तो 14% ऑटोमेटिकली इसका यहाँ पे जो अपने को डिक्रीज देखने को मिलता है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ तो उसका यहाँ पे जो है सही की जगह गलत तरीके से नहीं फैल रहा, बिकॉज यहाँ पे जो है डिक्रीज जो होता है वो अपने को देखने को मिल रहा है। तो यार अभी इस तरह का यहाँ पे जो डेटा निकल कर आ रहा है आप लोगों को पता है ये मूवी ऑलरेडी यहाँ पे जो है 100 करोड़ की बजट में बनी हुई मूवी है। ठीक है, अभी तक इसने यहाँ पे जो है टोटल मिलाऊंगा तो 7 करोड़ रुपए की इनकम जो होती है वो यहाँ पर करी है। तो गाइस क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा है, बिकॉज फर्स्ट डे यहाँ पे जो है मूवी का सबसे अच्छा दिन होता है अपनी मूवी के बजट को कवर करने के लिए। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है बड़ी मियां छोटी मियां मैदान के अंदर से यहाँ पे जो है कौन सी मूवी को यहाँ पे देखा एंड कौन सी मूवी आप लोगों को यहाँ पे जो है ज्यादा पसंद आई दोनों के अंदर से। तो यार कमेंट करके जरूर बताना इस तरह की और वीडियोस के लिए, फटाफट जाओ एंड फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो।